दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मास्क पहनकर प्रैक्टिस करते देखे गए। आपको बता दें कि 3 नवंबर को पहला T20 मैच जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। ग्राउंड पर खेलती हुई ये बांग्लादेश की टीम है जो 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंची। लेकिन टीम का दिल्ली ने ऐसे स्वागत किया कि टीम को मास्क पहनकर प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। प्रदूषण से दिक्कत हो रही है इसलिए मजबूरन उन्हें मास्क का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि दौरे पर आई टीम के स्वास्थ्य पर दिल्ली की आबोहवा का असर पड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दिल्ली NCR की हवा में जहर का कारण पंजाब और हरियाणा में लगातार जलाई जा रही पराली है जिसने आज दिल्ली की हालत कर दी जो लोगों की जान की दुश्मन बन गया है। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी की हालत कमोबेश एक जैसी है। जहां बच्चों को आंख में जलन सिर में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहीं घर के बुजुर्गों को खासकर जिन्हें दमे की शिकायत है उनके लिए ये और परेशानी को बढ़ा रहा है। यानी हर कोई दिल्ली में इस हाल से बेहाल है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के चलते सिविल लाइंस के एक स्कूल में जाकर बच्चों को मास्क बांटे और वहीं बच्चों की सेहत को देखते हुए कुछ स्कूलों में छुट्टी करने का फैसला भी लिया। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारों पर निशाना भी साधा। आसपास के राज्यों से जो फसलें जलने का धुआं दिल्ली आ रहा है इसकी वजह से पूरे आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मास्क बंटवा रहे हैं हम लोग बच्चों के थ्रू। दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक एक पैकेट दिया जा रहा है। हर बच्चे को उसमें दो दो मास्क हैं। एक फैमिली को 2 मास्क भेज रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा की सरकार ने पराली न जलाने के आदेश तो दिए लेकिन ग्राउंड पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। वहीं हाई कोर्ट ने भी इससे पहले किसानों को फरमान दिया कि पराली कहीं भी रखो लेकिन जलानी नहीं है और अगर जलाई तो इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हवा का स्तर काफी खराब हो चुका है। आज की बात करें तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI का स्तर 690 पर है, द्वारका में 594, जहांगीरपुरी में 575, पंजाब विभाग में 494, गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर 520, नोएडा में 532 और ग्रेटर नोएडा में 528 पार कर गया है। वहीं हालातों को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण यानी कि EPCA ने दिल्ली NCR में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और ये रोक 5 नवंबर तक दिल्ली और NCR की सभी जिलों में होगी। EPCA के चेयरपर्सन भूरेलाल ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों को खत भी लिखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने दिल्ली NCR में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। फिलहाल हालात बेकाबू हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन कोशिशों के बाद क्या दिल्ली NCR में हवा का स्तर ठीक हो पाता है या फिर दिल्ली NCR के लोगों को यूं ही गेस्ट चैम्बर में रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।